एक ऐसी फसल जिसे हम गर्मी के सीजन में लगा सकते हैं और जिसे ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और तो और हम बहुत ही कम पानी में इसे उगा सकते हैं। यह फसल है तिल। तिल की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है और इसकी डिमांड भी बहुत है, क्योंकि तिल का उपयोग हम खाने के साथ साथ दैनिक जीवन में भी कई प्रोडक्ट उपयोग में लाते हैं। गर्मी के सीजन में तिल की खेती किसान भाइयों के लिए कितने फायदे का सौदा है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। हम इस वीडियो में एक एकड़ तिल की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि तिल की खेती के लिए खाद प्रबंधन किस तरह से करें। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लागत निकालने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। एक एकड़ तिल की खेती में कितनी लागत आती है। एक एकड़ तिल की खेती के लिए अगर आप हाइब्रिड किस्म के बीज का चुनाव करते हैं तो बीज की मात्रा लगेगी 1 से 1.5 किलो। हाइब्रिड किस्म जैसे वेस्टर्न कंपनी की तिल की एक वैरायटी आती है, इसके 500 ग्राम के पैकेट की कीमत 225 रुपये है। हमें कुल 3 पैकेट लगेंगे। इस तरह हमारा 1 एकड़ तिल की खेती में बीज का खर्च आएगा 675 रुपये। तिल के बीजों की बुआई आप सामान्य छिड़कन विधि से करें। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 4000 रुपये। इसमें 1 से 2 बार गहरी जुताई और 1 बार रोटावेटर का खर्च इंक्लूड है। गेहूं और सरसों की फसल के अवशेष को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आप अपने खेत में तिल के बीजों की बुआई करने के पहले 1 बार रोटावेटर अवश्य चलाएं। इससे गेहूं और सरसों के जो अवशेष बचते हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और हमारी मिट्टी भी एकदम भुरभुरी हो जाती है। रासायनिक खाद व उर्वरक का खर्च आएगा 1800 रुपये। कौन सा खाद हमें कब डालना है यह जानेंगे प्रॉफिट निकालने के बाद। तिल की फसल में झुलसा रोग, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स जैसे कीटों का अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों के अटैक से हमारी फसल को बचाने के लिए हम फसल पर स्प्रे करते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 850 रुपये। बीज बुआई के बाद में अगर आप खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करते हैं तो इसका खर्च आएगा 650 रुपये। खरपतवार नाशक दवाई में आप पेंडामेथिलिन 30% ईसी का उपयोग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 2500 रुपये। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 500 रुपये। यह खर्च पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके खेत से मंडी की दूरी कितनी है। छोटे मोटे कामों के लिए हमारी लागत आएगी 1000 रुपये। इन सभी खर्च को जोड़कर 1 एकड़ तिल की खेती की हमारी लागत आएगी 11975 रुपये। तिल की खेती में आने वाली आपकी लागत 12000 से 15000 के बीच में ही रहेगी। लागत के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर। 1 एकड़ तिल की खेती से कितना उत्पादन होता है। गर्मी के सीजन में लगाई गई तिल की फसल का उत्पादन बारिश के सीजन में लगाई गई फसल की तुलना में हमें कम ही देखने को मिलता है। अगर आपने सही समय पर तिल के बीजों की बुआई की है और आपने उचित मात्रा खाद व उर्वरक दिए और आपकी तिल की फसल रोग व कीट मुक्त है, तो 1 एकड़ तिल की खेती से आप 4 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। हम 4 क्विंटल उत्पादन लेते हैं, यानी कि गर्मी के सीजन में 1 एकड़ तिल की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 4 क्विंटल। तिल की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप उचित दूरी का विशेष ध्यान रखें। लाइन से लाइन के बीच की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 0.5 फीट रखें। लागत उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। तिल की खेती का सही समय क्या है और तिल की खेती की समय साइकिल कितनी है। तिल की खेती आप खरीफ व जायद इन दोनों सीजन में कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में आप तिल के बीजों की बुआई फरवरी महीने से लेकर 25 मार्च तक कर सकते हैं। जिन राज्यों में मानसून मई महीने के अंतिम सप्ताह में दस्तक देता है वे राज्य के किसान भाई
तिल के बीजों की बुआई फरवरी के महीने में कर दें, और जिन राज्यों में मानसून जुलाई के फर्स्ट सप्ताह या फिर जून के अंतिम सप्ताह में दस्तक देता है, इन राज्यों के किसान भाई तिल के बीजों की बुआई 25 मार्च के पहले पहले कर दें, क्योंकि तिल की फसल 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। इस तरह तिल की खेती की समय साइकिल हुई 3 महीने। लागत उत्पादन समय के बाद में आते हैं हमारे चौथे पॉइंट आमदनी पर। 1 एकड़ तिल की खेती से कितनी आमदनी होती है? भारत सरकार द्वारा तिल की फसल की MSP 2022 और 23 में 7,830 रुपए पर क्विंटल ली गई। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान भाइयों को तिल की फसल का भाव MSP से ज्यादा ही देखने को मिलता है, पर फिर भी हम तिल की सपोर्ट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का ही लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 4 क्विंटल और 1 क्विंटल का भाव हमने 7,830 रुपए लिया है। इस तरह हमारी आमदनी हुई 31,320 रुपए, यानी कि 1 एकड़ तिल की खेती से हमारी आमदनी हुई 31,320 रुपए। आमदनी निकालने के बाद आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 31,320 रुपए और हमारी लागत आई थी 11,975 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 19,345 रुपए। यानी कि अगर आप गर्मी के सीजन में तिल की खेती लगाते हैं तो जहां पर आपका खेत खाली पड़ा रहता है वहीं पर तिल की फसल लगाने पर आपको प्रति महीने 7,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता है। यानी कि गर्मी के सीजन में तिल की खेती किसान भाइयों के लिए एक फायदे का सौदा ही है। अब जानते हैं कि तिल की खेती के लिए खाद प्रबंधन किस तरह से कर। बेसल डोज में आप NPK 12-32-16 40 kg प्रति एकड़ की दर से डालें व 5 kg दानेदार सल्फर का उपयोग करें। जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए उस समय पर आप 40 kg यूरिया खाद डालें, और जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए उस समय पर आप 25 से 30 kg यूरिया खाद दें। तिल की फसल में हमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तिल की फसल को प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की ही आवश्यकता होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की तिल की फसल को कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप बहुत ही कम खाद में तिल की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तिल के जिन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है वे 3 राज्य इस प्रकार है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। साथ ही आप तिल की खेती बंजर भूमि और कम उपजाऊ भूमि में भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो गर्मी के सीजन में अपने खेत को खाली छोड़ने के बजाय आप तिल की खेती अवश्य करें, क्योंकि तिल की खेती हम बहुत ही कम पानी में कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है तब भी आप तिल की खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि अभी जिन किसान भाइयों की सरसों और गेहूं की फसल की कटाई हुई है तो वे 25 मार्च के पहले पहले तिल के बीजों की बुआई करते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके हमारे टारगेट को कंप्लीट करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तिल की फसल से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।